इंडसइंड बैंक टारगेट 11 नवंबर। सो देखिए दोस्तों, मैंने चार्ट का चार्ट को स्टडी करते हैं। देखिए 10 नवंबर को शेयर ने ऊपर था 1070, वहां से लगातार शेयर देखिए नीचे आया, नीचे के लेवल पे एक लो बनाया 1028 का, क्लोजिंग हुई 1033। वीकली चार्ट देखें दोस्तों, तो वीकली चार्ट में शेयर ऊपर की तरफ जा ही रहा था 1232 पर। यहाँ पे देखिए एक न्यूज आई थी, न्यूज में मैंने आपको बताया था ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनकी लोन से रिलेटेड, तो उसमें देखिए गैप डाउन हुआ। और कल की डेट में मैंने बोला था कि ये वाला लो एक जो है 1042 का, ये लो आप बचा कर रखिए, क्योंकि ये लेवल अगर टूटा तो वीकनेस बढ़ेगी। तो ये लेवल आप ध्यान रखिएगा, ये लेवल टूटा तो वीकनेस बढ़ेगी, आज सेम उसी लेवल पे है। तो कल की डेट में आज का जो क्लोजिंग है वो लेवल आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर से बोल रहा हूँ, आज की जो क्लोजिंग है 1033 का, ये लेवल ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये लेवल कल की डेट में नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो वीकनेस बढ़ जाएगी, राइट। चार्ट जो है डाउन ट्रेंड में है, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक कोई मूवमेंट ऊपर का नहीं होगा, तो वो लोन की जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी क्लैरिटी आनी जरूरी है।